बाबू मैं आपके अवतरण दिवस की हरी शुभकामनाएं देता हूँ और परमपिता ईश्वर से कामना करता हूँ कि जिस तरह से पेड़ हरा भरा रहे उसी तरह से आपका जीवन हमेशा खुशहाल रहे, हमेशा आप सुखमय रहें। आप पढ़ लिख कर आईएएस आईपीएस बने, अपने कुल खानदान गांव का नाम रोशन करें या फिर जो भी आपको लाइफ में बनना है आप वो बने, मैं यही शुभकामनाएं देता हूँ। और एक छोटा सा आपके बर्थडे के अवसर पर ये ग्रीन तोहफा के रूप में मैं मल्लिका आम का पेड़ भेंट कर रहा हूँ और आपसे निवेदन होगा कि अपने बर्थडे के अवसर पर अपने पवित्र हाथों से ये पौधरोपण करेंगे। जब जब इस पेड़ का फल खाओगे, ओटू प्राप्त करोगे, आप अपने बर्थडे को हमेशा याद करते रहोगे। तो हम लोगों का प्रयास है कि बर्थडे के अवसर पर केक काटने के बजाय या केक काटने के साथ साथ एक पौधरोपण करने का कल्चर डेवलप हो, ग्रीन बर्थडे, इको फ्रेंडली बर्थडे मनाने का कल्चर डेवलप हो। जब जब इस पेड़ का फल खाओगे तो हमेशा बर्थडे को याद करते रहोगे। आने वाला जनरेशन, कल दिन हमारा भाई बहन या सोसाइटी के लोग इस पेड़ का फल खाएगा तो आपके मुस्कान के बर्थडे को याद करते रहेगा कि मुस्कान ने अपने बर्थडे के अवसर पर पेड़ लगाई थी जिसका आज हम लोग फल चख रहे हैं, जिसका हम लोग ओटू प्राप्त कर रहे हैं। जब तक भी देखो, अभी हमें चेतने की आवश्यकता है, सुधारने की आवश्यकता है। आज हमारे देश की प्राणवायु जहरीली हो गई है, हम जैसे युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है, सुधारने की आवश्यकता है, चेतने की आवश्यकता है। आज देखिए, अभी मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ का AQI बाबू काफी खतरनाक है। ये जो शुद्ध प्राणवायु हमें सिर्फ और सिर्फ हरा पेड़ पौधा जनरेट करती है, तो हमें हर अवसर पर, हमें हर शुभ मुहूर्त के अवसर पर पेड़ लगाने की आवश्यकता है, पेड़ को बचाने की आवश्यकता है। पुनः मैं आपको बाबू हरित शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।